बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो भारत चीन फिर आए हैं आमने सामने। रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुणाचल में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। आपको जानकारी दे दें कि दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़े और LAC पार कर भारत में घुसे, और चीनी सैनिक ये LAC पार कर भारत में घुसे थे। आपको ये जानकारी पहुंचा दें कि चीनी सैनिकों को भारत के सैनिकों ने खदेड़ दिया। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बातचीत के बाद उच्च अधिकारियों ने इस विवाद को सुलझाया है। ये बड़ी खबर भारत और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए। रक्षा सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के लिए। ममता, भारत और चीन एक बार फिर से आमने सामने आ गए। फिलहाल विवाद सुलझा तो दिया गया है, लेकिन क्या अधिक जानकारी मिल पा रही, क्यों आखिर ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ ये तो जवाब चीन दे पाएगा कोमल, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं है जब हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश चीन की तरफ से किया गया हो। इससे पहले भी कई बार देखने में आया है कि चीन अपने सैनिकों के जरिए भारत में दाखिल होने का प्रयास किया है, जिसका जवाब हिंदुस्तानी सैनिकों ने जमकर दिया है। और इसी सिलसिले में एक बार फिर से देखने को मिला है कि अरुणाचल प्रदेश के यांतसंगे जो जगह है वहाँ पर तकरीबन 200 चीनी सैनिकों ने घुसने का प्रयास किया, जहाँ पर प्रोटोकॉल की अगर माने तो उसके मुताबिक फिलहाल भारतीय सैनिकों ने उनको रोका। और जिस तरीके से कामयाबी हासिल हुई है, कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का सामना किया और उनको वापस भेजा। ये पहली बार नहीं है, अक्सर ही चीन की तरफ से इस तरह के प्रयास होते रहे हैं कि वो LOC को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने काम किया है उसको लेकर लगातार बैठकों का जो सिलसिला है भारत सरकार की तरफ से चलता रहा। लेकिन अब एक बार से अरुणाचल प्रदेश की खबर आई है, जहां पर तकरीबन 200 चीनी सैनिक थे जो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों ने उनको वापस भेज दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह साफ हो गया है कि चीन जो उसके नापाक मंसूबे हैं उसमें कभी भी वो रुकावट डालने वाला है नहीं। हमेशा से ही चीन की तरफ से ये प्रयास होता रहता है कब्जा करने का, कि वो कितना ज़्यादा कब्जा कर ले, चाहे वो दूसरे देशों की बात करें या फिर भारत की बात करें। तो भारत में हमेशा से ही चीन की तरफ से घुसपैठ करने और कब्जा जमाने की कोशिश होती रही है, और उसी सिलसिले में कहा जा सकता है कि ये एक और कड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश के यांतसंगे जो जगह है वहां पर 200 चीनी सैनिकों को देखा गया। हालांकि समय रहते हुए भारतीय सैनिकों ने उनको पीछे हटाने का काम किया है। फिलहाल सूत्रों की माने तो प्रोटोकॉल की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भारतीय सैनिकों ने 200 चीनी सैनिकों को वापस भेज दिया है। कोमल, तो बड़ी असमंजस की बात है कि इस तरह की हरकतें एक बार नहीं कई बार की जा चुकी हैं। फिलहाल इस विवाद को बातों के जरिए सुलझाया तो गया है, लेकिन ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये आखिरी हरकत होगी, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन भारत भी इस चीज़ का जवाब देना जानता है। आगे अगर हम ये जानकारी लेने की कोशिश करें कि क्या कोई रणनीति तय की जा रही है या चीनी किसी प्रतिनिधि से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कोमल देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, और जिस तरीके से 200 चीनी सैनिकों के घुसपैठ की खबर सामने आई है, भारतीय सैनिकों ने उनको वापस भेजा है, जाहिर सी बात है इसको लेकर भारत सरकार जो है चीन को अपना जो शिकायत है वो जरूर दर्ज कराएगी और बताएगी कि इस तरीके की जो हरकत है इसका जवाब हिंदुस्तान जमकर देगा और इस तरीके की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। इसके बारे में ज़रूर भारत सरकार की तरफ से चीन को शिकायत की जाएगी, और मुमकिन है कि जो सेना के बड़े अधिकारी हैं इसको लेकर बातचीत भी कर सकते हैं। हालांकि भारत सरकार का इस पूरे मामले को लेकर आगे की रणनीति क्या है इसका खुलासा होने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि जिस तरीके से 200 चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की अरुणाचल प्रदेश में कोशिश की है भारतीय सैनिकों ने नाकाम किया है, और जिस तरीके से ये बड़ी खबर है और इसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक बड़ी रणनीति जरूर बनाई जाएगी, और जल्द ही भारत सरकार इस पूरे मामले को लेकर जो चीन के उच्च जो अधिकारी हैं उनको शिकायत भी दर्ज कराएगी और बताएगी इस तरीके की हरकतों को हिंदुस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा।
ठीक है, कुल मिलाकर अभी आगे की रणनीति यानी कि बनाना बाकी है, लेकिन वहीं इस तरीके की जब हरकतें सामने आती है तो एक देश की जो तस्वीर सामने आती है, जिस तरह से चीन ने अपनी इमेज बना ली है हर जगह, वो काफ़ी विवादित होती जा रही है। क्योंकि अगर इस तरह से जब हरकतें की जाती है तो बाकी के भी देश देखते हैं कि ये देश क्या कर रहा है। बहरहाल, अगर हम अपने देश की सुरक्षा को लेकर बातचीत करना चाहें, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसको लेकर बातचीत की जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन देश के अंदर जाहिर सी बात है हलचल तो बढ़ी गई होगी, इसको लेकर आंतरिक एक बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी। कोमल, देखिए आंतरिक अगर मामले की बात करें तो जाहिर सी बात है जो खबर आई है इसको लेकर भारत सरकार शांत नहीं है। अंदर खाने की खबर यही है कि लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। इस पूरे मामले को लेकर सूत्रों की माने तो भारत सरकार के पास जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आई है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है और ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन की तरफ से इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया है। इससे पहले भी चीन घुसपैठ करता रहा है और चीन की जो विस्तारवादी रवैया है उसके बारे में न केवल भारत बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के तमाम देश जानते हैं कि किस तरीके से वो जबरन कब्जा करने का कोशिश हर जगह पे करता है। चाहे हिंद महासागर की बात करें तो वहां पर अंदर अंदर वो लगातार कोशिश कर रहा है कि विस्तार करता जाए, और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कभी अरुणाचल प्रदेश या फिर यूं कहें कभी लद्दाख की सीमा पर कोशिश करता है चीन घुसपैठ करने की। तो ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर ही चीन का इस तरीके का जो रवैया है, विस्तार करने का रवैया है कि वो कितना दूसरे देशों के अंदर घुस जाए और वहां पर कब्जा जमा, ये लगातार कोशिश चीन की तरफ से किया जाता रहा है। इससे पहले हमने लद्दाख में देखा कि वहां पर भी लंबा संघर्ष चला, हालांकि जो बैठकों का दौर है वो भी समय समय पर चलता रहता है क्योंकि सीमा पर तनातनी अक्सर ही भारतीय सैनिक और चीन के बीच देखने को मिलती है। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आई है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के जो सांसद है वो भारत सरकार से इस तरीके की शिकायत कर चुके हैं कि चीन जो है वो लगातार अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार को अंदाजा तो था, लेकिन इस तरीके से चीन हरकत करेगा इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन सीमा पर जो तैनात हमारे सैनिक हैं उन्होंने अपने मनोबल और साहस का बखूबी परिचय दिया है और 200 चीनी सैनिकों को वापस भेजने में कामयाब हो गए हैं। जहां तक आंतरिक मसले का सवाल है तो जाहिर सी बात है मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। भारत सरकार इस पूरे मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से डील करने की कोशिश कर रही है। जहां तक बैठकों का सवाल है वो चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या फिर सेना के बीच हो, वो लगातार चल रहा है और आगे किस तरीके से इसको डील करना है भारत सरकार एक विस्तृत रणनीति बना रही है। ठीक है ममता, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.